निरंतर पिछले 5 दशकों तक ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर आज तक जब नई टेक्नोलॉजी आई है, नए प्लेयर्स आए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर के लोग आकर फार्मिंग के अंदर अपना रिसर्च को दिखा पाए, किसान का उद्धार हुआ। ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन से उद्धार नहीं होता, दुनिया के अंदर आज कॉटन का सबसे बड़ा सीड मैन्युफैक्चर कोई है तो प्राइवेट कंपनी है, ना कि गवर्नमेंट है। आज इजिप्शियन कॉटन जो आया है वो भी प्राइवेट सेक्टर लेकर आया है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू हमारी कॉटन के बराबर 3,000 रुपये तेज है। आज हम बात करें सरसों है, सरसों का तेल आज भी विदेशी मार्केट में बहुत भारी मात्रा में डिमांड है। अगर एक्सपोर्ट खुलता है, मैं ये मानता हूँ कि सरसों की कीमत जो आज भी MSP से 400-500 रुपये ज़्यादा है, उसके अंदर भी और उछाल आए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि किसान को और आर्थिक तौर पे मजबूत करो। मगर कई बातें जो उनने भी रखी है वो भी जायज है, और केंद्र मुझे लगता है उनको बदलने के लिए भी आज तैयार है। तो संगठनों को आगे आना पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा दोबारा करनी पड़ेगी, और जब चर्चा होगी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सामने। सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है, क्या लगता है कि अब जो किंतु परंतु सवाल खड़े हो रहे थे वो अब खत्म हो गए हैं? बड़ी अच्छी R&D के साथ इंडिया की दो कंपनीज ने केवल मात्र इंडिया ही नहीं दुनिया भर के अंदर अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया है, और दुनिया ने उसको अपनाया भी। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सीनियर सिटीजन या जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है, और प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को वैक्सीनेट कराकर लीड फ्रॉम द फ्रंट एग्जाम्पल सेट किया है, मुझे लगता है कि देश के अंदर एक अपने आप में ये साइंस के अंदर क्रांति है कि इस महामारी की वैक्सीन भी हमने बनाई, और हमने अश्योर किया कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन एक मिनिमम रेट के ऊपर प्राइवेट तौर पर भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। मुझे लगता है कि पिछले अब तो लगभग 1 साल हो गया, 11 महीने के अंदर जिस प्रकार से एक एक नागरिक ने काम किया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि देश ने यूनाइटेड होकर इस महामारी से लड़ाई भी लड़ी है, और इंडिया आने वाले दिनों के अंदर कोरोना से जीत हासिल। सर आ रहे थे तो उनके कंधे पे असम का गमछा था, और जो नर्स उसको इंजेक्शन लगा रही थी वो पौने चली गई थी, तो विपक्ष पे सवाल उठा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये तो यूनाइटेड इंडिया दिखता है, आदमी कांग्रेसियों से पूछ के कपड़े पहनेगा या कांग्रेसियों से पूछ के ये टीका लगवाएगा, भी बताओ कौन सी स्टेट के नर्स से लगवाएगा। एम्स के अंदर आज पूरे देश भर का स्टाफ काम करता है, मुझे लगता है अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है तो उसकी मानसिकता सामने आती है। आगामी बजट के अंदर इस तरीके से पिछले साल डेवलपमेंट स्कीम्स की हमने शुरुआत करी थी, मगर कोरोना की वजह से 6 महीने अधिकतम स्कीम्स रुकी रही। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर ग्लोबल सिटी का, उसको आगामी वित्त वर्ष में लेके आएंगे, जो अपने आप में 1,000 एकड़ में 2.5 से 3 लाख की आबादी की एक रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल और उसके साथ अन्य जो स्कीम्स है उसको सब उस 1,000 एकड़ के अंदर लाकर एक ग्लोबल सिटी का स्वरूप देगी, जिसको डायरेक्ट एक्सप्रेसवे के